इसराइल हमास के बीच जंग की आंच ईरान तक पहुंच गई है और अब लड़ाई इसराइल और ईरान के बीच छिड़ गई है। दरअसल इसराइल हमास जंग में युद्ध के मैदान में भले ही इसराइल और हमास आमने सामने हैं और हमास को ईरान का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन अब सीधे तौर पर ईरान और इसराइल भी एक दूसरे पर हमले करने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही ईरान ने इसराइल के खिलाफ हमले किए थे, अब इसराइल ने उन हमलों के जवाब में जवाबी हमला किया है। हालांकि शुक्रवार को जब ईरान पर इजरायली हमले से जुड़ी खबरें सामने आने लगी तो इजरायली अधिकारियों ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए इस हमले को एक संयमित रिएक्शन बताया। समाचार विश्लेषकों के मुताबिक इजरायल के हमले में ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ईरान में सोशल मीडिया यूजर्स इजरायली हमले का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ईरानी लड़की ने एक कागज का हवाई जहाज लॉन्च किया और इसकी तुलना इजरायली हमले से की। ईरानी लोग इजरायल के हमले को पिछले हफ्ते ईरान द्वारा इजरायल पर लगभग 300 मिसाइलों और ड्रोन से किए गए हमले की तुलना में एक कमजोर प्रतिक्रिया बता रहे हैं। हालांकि ईरानी स्टेट टेलीविजन की माने तो इस्फहान में किए गए इजरायली हमले में ईरान के सैन्य और परमाणु सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस्फहान में सेना के एक बड़े अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल सियावश मिहंदोस ने कहा कि शुक्रवार को सुना गया कि इजरायली हमलों में कोई विस्फोट नहीं हुआ। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को ईरान ने पहली बार इसराइल के खिलाफ सीधा हमला बोला था और उस दौरान तेहरान ने इसराइल पर 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। ईरान ने यह हमला ईरानी दूतावास पर 1 अप्रैल को हुए हमले के जवाब में किया था। हालांकि अब ईरान पर जो हमले हुए हैं इनकी आशंका पिछले एक हफ्ते से ही लगाई जा रही थी, जब ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले किए थे। ये हमले इस महीने की शुरुआत में ही दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हमले के जवाब में किए गए हैं। हालांकि अब एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान इस हमले पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के इरादे में नहीं है। दरअसल ईरान को अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हमले को सीधे तौर पर किसने अंजाम दिया है।